सिम देगा? सिम देगा? काम भी हाँ, दोनों है, काम भी है, ऑफिस का भी काम है। कहाँ जा रहे हो तुम? हम जा रहे हैं हजारीबाग। हेलमेट? हाँ? हेलमेट हेलमेट जी हेलमेट पीछे ओ गाइस, मीटर जीरो कर रहा था, मीटर जीरो कर दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं, वेलकम बैक टू माय चैनल वांडरलस्ट अनुज, सबको और सबको जोहार और कैसन बा, ठीक बा ना? सो गाइस, वीडियो के टाइटल थंबनेल से आप लोग जान गए होंगे, और आज फिर मैं जा रहा हूँ, सिमडेगा जा रहा हूँ अपने ऑफिस के काम से। अभी मैं जस्ट रामगढ़ से निकला हूँ, अपने घर से रामगढ़ से जस्ट निकला हूँ। सबसे पहले मेरे को रांची जाना है, रांची में आधा एक घंटा का काम है, उसके बाद सिमडेगा के लिए निकलेंगे। और अभी एक सप्ताह से इतना, मतलब इतना बिजी शेड्यूल चल रहा है, इतना मैं ट्रैवल कर रहा हूँ कि आप लोगों को बता नहीं सकते। देखिए, यहाँ पर एक पटेल चौक के पास, रामगढ़ में पटेल चौक के पास कल रात में लगता है एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गया है, भयानक ट्रक पलट गया है, देख लीजिए। चलते हैं भाई, अपना प्रभु मुझे संभालना, मार्ग में मेरी रक्षा करना, मुझे भी हरे खतरों मुसीबतों से बचाना प्रभु जी। आज भी मुझे जाना है, फिर वापस आना है। मैं भी अगर कल मेरा काम पड़ेगा तब मुझे आज सिमडेगा में नाइट होल्ड करना पड़ेगा, फिर कल वापस आएंगे। यहाँ पर जाम हो गया दोनों ट्रकों के बीच में, आगे में देख लीजिए रेस चल रहा है कि हम आगे निकलेंगे, हम आगे निकलेंगे, लेकिन दोनों नहीं निकल पा रहे हैं, क्या बात है। देखा भाई, चला चला भाई, रुका हो तो नहीं। तो आज मैं रांची से सिमडेगा मात्र दो घंटा में ले जाऊंगा। कुछ नया रास्ता से जाएंगे, नया रास्ता एक्सप्लोर करेंगे आप लोगों को, और बहुत मजा आने वाला है। जो नया रास्ता है ना, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, एकदम जंगलों पहाड़ों के बीच से होके जाना है, और टाइम भी कम लगता है। सो बहुत मजा आने वाला है आज का वीडियो। पहले, सबसे पहले तो मुझे रांची पहुँचना है, तो मेरा जो मेन वीडियो बनेगा वो मेरा रांची से सिमडेगा का बनेगा, क्योंकि रांची में मुझे आधा घंटे का काम है बस, और इसलिए मुझे टाउन घुसना पड़ेगा रांची में। ये ध्रुवा गोल चक्कर का पेट्रोल पंप है रांची में, सबसे पहले तेल डलवा लेते हैं, चलिए। सो गाइस, आगे से लेफ्ट टर्न लेंगे कर्रा के लिए, देख लीजिए कर्रा है यहाँ से 22 किलोमीटर। मेरा मेन वीडियो यहाँ से शुरू होता है, और आज का जो मैं राइड करने वाला हूँ वो सोलो करने वाला हूँ। यहाँ पर थोड़ा देर रुकते हैं, मीटर को जीरो कर लेते हैं, एग्जैक्ट यहाँ से पता चलेगा कितना किलोमीटर है। सो गाइस, देख लीजिए यहाँ से जो रिंग रोड है, यहाँ से जो कर्रा का रास्ता है, यहाँ से मैं मीटर को जीरो फिर से कर दिया हूँ, और टाइम हुआ है 11:31, 11:30 ही मानिए। सो चलिए निकलते हैं यहाँ से। अगर आप रांची तरफ से आते हैं तो ध्रुवा होके आइए, और ये जो रास्ता जो बायां तरफ है वो गोल चक्कर, ध्रुवा गोल चक्कर जो है वहाँ सीधे निकालता है। तो यहाँ से मैं राइट लूँगा, राइट टर्न। तो ये है कर्रा का रास्ता जो सीधे आपको निकालेगा, ये है। आप ये रास्ता से तोरपा भी निकल सकते हैं, पर तोरपा से अच्छा है कि आप सीधे निकलिए, कमडेरा निकलिए। मुझे लगता है कि मैं दो घंटा में या दो घंटा से कम में पहुंच जाऊंगा, अगर कहीं नहीं रुका तो। अगर कहीं मैं रुकता हूँ 5-10 मिनट के लिए तो लेट हो जाएगा।
और फिर एक आप लोगों को नया रास्ता आज दिखाऊंगा सिमडेगा जाने के लिए, और वो रास्ता काफ़ी अच्छा है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। सो इसलिए बने रहिए आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए वीडियो को, क्योंकि अगर आप खुटी होकर सिमडेगा जाते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है, 3-3.5 घंटा, कभी कभी 4 घंटा भी लग जाता है। तो ये जो रास्ता है काफ़ी अच्छा है, देख लीजिए दोनों तरफ जंगल, द लैंड ऑफ फॉरेस्ट झारखंड। सो गाइस कर्रा पहुंच गए हैं, यहां से 20 मिनट लगा, वहां से मतलब रिंग रोड से 20 मिनट लगा कर्रा पहुंचने में, और यहां से कमडरा निकलना है। तो ऊपर देख रहे बोर्ड में सीधे आप लोग निकलिए कमडरा, 37 किलोमीटर। आगे से यहाँ से डाइवर्सन है, आप लोग सीधे मत जाइएगा, यहाँ से बायां जाना है और ऊपर से रेलवे ट्रैक गया है जो हटिया राउरकेला है। तो हम लोग रेलवे लाइन के इस पार आ गए थे, अभी फिर उस पार जाना है, तो एक फिर छोटा सा टनल है। बस यही एक दो जगह बस रास्ता थोड़ा सा खराब है, बस बाकी रास्ता एकदम एक नंबर है। तो यहाँ से फिर यहाँ से लेफ्ट जाना है, कभी भी आप रिटर्निंग में आए तो सीधे नहीं जाए, यहाँ से ध्यान रखिएगा, कभी भी आप सीधे नहीं चल जाए। एक बार रात में मेरे साथ हुआ था कि मैं सीधे चल गया था। सो गाइस कमडरा पहुंच गए हैं, यहाँ से केलो कोले बिरा है 36 किलोमीटर। खोटी और सिमडेगा का मेन रोड है, वहाँ पहुंच गए हैं, और यहाँ से फिर ये मेन रोड में ही जाना है। और याद रखिएगा कि ये चर्च के पास, कमडरा में एक चर्च है, यहाँ ये चर्च जो राइट साइड में आप मेरा देख रहे हैं वहीं पर ये रास्ता यहीं वहीं निकालता है कमडरा में। रांची सिमडेगा का ये मेन हाईवे हो गया। कोलेबिरा पहुंचते हैं, फिर आप लोगों को नया रूट दिखाते हैं। और अभी तक टाइम हो चुका है 12:23, अभी एक घंटा भी नहीं हुआ है और 58 किलोमीटर कवर कर चुके हैं, देख लीजिए। सो गाइस जो यहाँ से रास्ता थोड़ा यहाँ से फिर ख़राब हो जाता है, जो राइट साइड में चल जाता है वो गुमला चल जाता है 45 किलोमीटर, और इधर राइट साइड में। सो गाइस पहुँच गए हैं कोले बिरा, रास्ता भी बहुत ख़राब है। बाबा अगर आप सीधे चल जाओगे तो सिमडेगा आपको पड़ेगा, लेकिन बीच में घाटी पड़ता है और रास्ता ख़राब है बहुत, पर उधर आपका किलोमीटर कम है, इधर से आपको 30 किलोमीटर आपको सिमडेगा पड़ेगा, और आपको यहाँ से बायां मुड़ जाना है बानो वाला रूट में, और इधर से आपको 36 किलोमीटर, 6 किलोमीटर उधर से ज़्यादा पड़ता है, पर रास्ता काफ़ी अच्छा है और ब्यूटी है ना, जो नेचर ब्यूटी काफ़ी अच्छा है। बस आप लोगों को ले जा रहे हैं, देखिए फिर आगे से कटना है, राइट कटना है, ध्यान दें, ज़्यादा आगे नहीं, बस थोड़ा सा आगे जाके ही। अच्छा मिल गया, इंडिकेटर दे देते हैं भाई, और यहाँ से ये रास्ता आप लोग पकड़ लीजिए, ये रास्ता आपको राउरकेला भी निकाल देगा सीधे, भी मित्रापुर भी निकाल देगा, 50 किलोमीटर है भी मित्रापुर। टाइम हो चुका है 12:56, देख सकते हैं, और 94 किलोमीटर में कवर कर चुका हूँ, करीब करीब 1.5 घंटा हो चुका है, 5 मिनट खाली कम है, आधा घंटा लगना चाहिए यहाँ से, तो 2 घंटा में मैं पहुंच जाऊंगा ऐसा लगता है, रांची से सिमडेगा 2 घंटा में। वाह कैसा लगा सुन के, अच्छा लगा ना। पर गाड़ी बहुत कम चलता है,
थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है, पर क्या करें, कोई बात नहीं। तो दोनों तरफ ऐसा जंगल है, लग रहा है कि हम नेचर में घुस चुके हैं। बहुत मन खुश हो गया। सो गाइस देखिए, यहाँ से राइट जाना है, राउल कला भी मित्रपुर और गंगू टोली सीधे चल जाएगा उधर। राउल कला 70, वे मित्रपुर 40 और सिमडेगा यहाँ से 24 किलोमीटर है। पर जो हरियाली है ना, देखिए सरसों देखिए लगा हुआ, येलो येलो लाजवाब है। व्यूज़ बहुत अच्छा है, एकदम छोटा, ज़्यादा चौड़ा रोड नहीं है, कम चौड़ा है, गाड़ी भी ज़्यादा नहीं है। पर आप लोग वीडियो देख के भीड़ मत कर दीजिएगा इस रोड में। कॉर्नरिंग करने का मन है तो बहुत मजा आने वाला आपको। देखिए सरसों और जंगल और उस साइड उधर पहाड़ है, उधर देखिए पहाड़ है। मैं सोच रहा हूँ कहाँ पर रोकूं, थंबनेल के लिए फोटो लेना है एक, पर देखते हैं लौटते समय। और ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है बरामरे केला नाम है। तो थंबनेल के लिए एक फोटो भी लेना है, पर मैं रिंग रोड से चला हूँ तो अभी तक कहीं भी नहीं रुका, कंटिन्यू चला हूँ। और देखिए इधर पहाड़ दिख रहा है इस साइड, लेफ्ट साइड मस्त नज़ारा है भाई, मस्त नज़ारा है। पर अभी चलते हैं क्योंकि 2 घंटा में मेरे को पहुंचना है सिमडेगा, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगा। क्योंकि टाइम हो चुका है अभी 1:24 हो चुका है, टर्निंग बहुत है भाई, इसलिए थोड़ा बस। जो सिमडेगा का प्रिंस शॉक है, ज़्यादा किलोमीटर नहीं है, 6 किलोमीटर है और 1:24 हो चुका है, 6 मिनट बाकी है। 60 के स्पीड में चलेंगे तो पहुंच जाएंगे, लेकिन थोड़ा टर्निंग में स्लो हो जाते हैं। और यहाँ पर थोड़ा भी रास्ता, चलो भाई चलो चलो चलो। और जो मेरे बायां साइड में आप लोग देख रहे हैं, क्या पता मैं दिखा पाऊँ या नहीं दिखा पाऊँ, उधर देखिए केला घाट डैम जिसका मैं वीडियो बनाया था। ये देखिए 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 डैम दिख रहा है। सो गाइज 1:30 हो गया है, वहाँ से चलना शुरू किए थे 11:30 में और लगभग पहुंच गए हैं, बोल सकते हैं सिमडेगा। तो 2 घंटे में लगभग पहुंच गए, बस प्रिंस चौक 1/2 किलोमीटर है, 1/2 किलोमीटर से भी कम है। और कहीं मैं रुका नहीं, बस थोड़ा सा कहीं कहीं टाइम लग जाता है क्योंकि कुछ दिखाना हुआ तो मैं स्पीड स्लो करके ऐसे दिखाता हूँ। अगर मैं एकदम कि मुझे पहुँचना ही रहता ऐसा अगर सोच के चलता तो 10 मिनट और कम लगता मेरे को। मैक्सिमम स्पीड में 120 गया था, कहीं कहीं पे अगर 130-135 भगाता लगातार वही एक ही स्पीड में चल रहा तो 10 मिनट और सेव होता मेरा। सो देखिए प्रिंस चौक पहुंच गए हैं भाई लोग, 1:31 हो चुका है भाई। कैसा बैठा है KTM, अच्छा यहाँ पर ऑफिस है। सब ऑफिस पहुँच गए हैं दोस्तों, चलो चलते हैं। सब भयानक देखता है, सब पहन के आते हैं ना। 1:33 हो गया, 128 किलोमीटर रिंग रोड से, तो चलिए
हेलो गाइस, अभी टाइम हो गया 3:47 शाम के। मेरा काम हो गया, पर कल भी हम लोग का वहाँ काम है ऑफिस में, समर नाले में, तो इसलिए मैं आज रुक रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ। फिर क्यों जाना रांची जाके, फिर कल वापस आना, जा भी सकते थे, पर मेन बात है कि मुझे वीडियो एडिट करना था और अभी मैं बस जस्ट अभी रूम लिया हूँ, तो देख लीजिए कैसा है होटल यहाँ का, ये देख लीजिए। तो अभी जा रहे हैं, बस रूम ले चुका हूँ, होटल वृंदावन है सिमडेगा में, ओयो में भी देखा पर ओयो यहाँ पर नहीं है अभी, तो फिर लोगों से पूछते पूछते जो यहाँ पर मुझे मिला होटल वृंदावन, 800 रुपया नन एसी का रूम का चार्ज है, तो मुझे 100 रुपया डिस्काउंट मिला 700 रुपया में। और अभी मैं जस्ट जा रहा हूँ, फ्रेश होकर जल्दी से वीडियो एडिट करता हूँ। मुझे जब हम लोग गए थे, कहाँ गए थे, हम लोग अयोध्या हिल गए थे, उसका पार्ट टू आधा वीडियो में बना चुका हूँ। सो आज मैं थोड़ा सा एडिट बाकी, एक घंटा का काम बाकी है, एक घंटा में उसको जल्दी से एडिट करके उसके बाद आज ही मैं शाम तक अपलोड कर दूंगा। सो आप लोग देखेंगे इस वीडियो को, तो आप लोग फिर बाद में देखिएगा। सो ठीक है, चलिए गाइज, यही था आज अब तक का अपडेट, फिर कल निकलेंगे रांची और फिर देखते हैं, अगर कहीं अच्छा दिखेगा तो जरूर वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो चलिए गाइज वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सबको बाय बाय, टेक केयर और लव यू गाइज, और हम मेरे ही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते कहीं और किसी और सफर में। बाय बाय।